त्रिपुरा विधानसभा चुनाव कल से होने जा रहे हैं और उससे पहले आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का एक दल केशन चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक, पवन खेड़ा समेत अन्य नेता चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे थे। मुकुल वासनिक ने बताया कि जिस तरह से वहां पिछले दिनों हालात बने हुए हैं, जो अराजकता फैली है, एक असुरक्षा का माहौल बना हुआ है, अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां सामान्य मतदाताओं से लेकर कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी हिंसा का सामना करना पड़ा है, ऐसी तमाम घटनाएं उन्होंने चुनाव आयोग के सामने रखी हैं। क्या कुछ कहा, देखिए द न्यूज़ 15 के खास रिपोर्ट में। अधिकारियों से रात को 1 बजे बैठक की, जो किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गृह मंत्री इस तरह से चुनाव आयोग के अधिकारियों से वहां बैठक कर रहे हैं, क्या उनको निर्देश दिए, तो इस पर भी चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया कि वो इस पर पूरी रिपोर्ट मंगवाएंगे। देखिए, 16 तारीख को त्रिपुरा के विधानसभा के चुनाव में मतदान होगा और वहाँ पर पिछले दिनों में जो हालात बने हैं, जिस तरह की अराजकता वहाँ पर है, जिस तरह से एक असुरक्षा का माहौल वहाँ पर बना है, अनेक ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पर सामान्य मतदाताओं से लेकर तो कांग्रेस के प्रत्याशियों तक के जिनको हिंसा का सामना करना पड़ा, ऐसी तमाम घटनाएँ हमने चुनाव आयोग के सामने रखी। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पवन खेड़ा जी, प्रणव झा साहब, मोहम्मद और मनोज त्यागी जी, हम एक डेलीगेशन लेकर यहां पर पहुंचे और इन सारी चीज़ों के बारे में किस तरह से वहां पर सुरक्षाकर्मी इन घटनाओं के तरफ नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसकी पूरी शिकायत हमने वहां पर चुनाव आयोग के सामने रखी है। सर क्या कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट का भी जिक्र किया है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो सामान्य जो त्रिपुरा में हिंसा होती है सामान्य तौर पे, चुनाव में कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट की भी बात की? देखिए, बहुत सी घटनाएं वहां पर हुई, यहां तक के कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वहां पर प्रभारी है डॉक्टर अजय कुमार जी, इनके ऊपर भी बहुत बुरी तरह वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। लेकिन उसी के साथ साथ मोहनपुर, चारीलाम, माधुपुर, ब्रजपुर, सुरमा, खैरपुर, सूर्यपारा, ऐसी विभिन्न जगहों पर कई सारी घटनाएं हुई है। कई लोगों के ऊपर बहुत बुरी तरह वहाँ पर हमला किया। वहाँ तो एक नया वहाँ पिछले कुछ समय से एक वहाँ बाइक वाहिनी बाइक वाहिनी करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया है, जिसके जरिए वो वहाँ पर बहुत बुरी तरह आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। मुकुल जी, कल वोटिंग है, क्या आशंका है और उन्होंने मांग क्या की है? हमारी मांग बड़ी स्पष्ट रही कि चुनाव आयोग को समय रहते ही वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए और जो भय का माहौल है हमारे वर्कर्स के बीच में, वोटर्स के बीच में, उस भय के माहौल को दूर करने में सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग ही कुछ कर पाएगा। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया कि वो बिल्कुल जागरूक हैं और वो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। तो इस तरह के हिंसा के लिए आपने किसको जिम्मेदार बताया चुनाव आयोग? स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। हमारे डेलीगेशन के प्रमुख मुकुल वासनिक जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि कैसे गृह मंत्री ने वहां जाकर चुनाव अधिकारियों से रात को 1 बजे बैठक की।